अनेक जन्मों की कर्मों की कमाई जीव के साथ में रहती है। किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर ईर्ष्या मत कीजिए, अपने सोए हुए भाग्य को जगाने की कोशिश कीजिए और किसी के काम को बिगाड़ने का प्रयास मत कीजिए, अपने बिगड़े हुए काम को बनाने का प्रयास कीजिए। आप जो अपनी ऊर्जा, जो अपनी शक्ति, जो अपना समय, जो अपनी बुद्धि, जो अपना श्रम, जो अपना धन, जो अपनी शक्ति दूसरों का कार्य बिगाड़ने में खर्च करते हैं, अगर वही सब शक्ति ताकत अपने काम को बनाने में खर्च कर दो तो शायद उससे हजारों गुना आगे निकल जाओगे। दूसरों के लफड़ों में मत फंसो, आप अपनी राह पर चलो। ये तो बहुत बड़ा संसार है, बाजार है, हाहाकार है, इसमें बहुत भरे गद्दार है। तुम वफादार बन करके काम करो, अपने घर को अच्छा बनाओ, पड़ोसियों को भी मदद करते जाओ, अपने गांव में सत्संग कराओ, कम से कम माताओं बहनों को भी सद्बुद्धि मिले, बुजुर्गों को भी सद्बुद्धि मिले, बच्चों को संस्कार मिले, बेटियों को जिंदगी जीने का ढंग मिले। अन्यथा कितने नवयुवक सोचते हैं फैशन ही सब कुछ है, व्यसन ही सब कुछ है, दारू ही सब कुछ है, नाज नखरे ही सब कुछ है, जिंदगी का कुछ पता ही नहीं है। बस सजनी सजके चलो, ससुरे सजनवा करिए प्यार, और गलती होगी छोटी तो ऊपर से लगे फटकार, और फिर जहर खाकर मर जाओ तो निकल जाओ घर द्वार, यही नाटक करते रहो। सोच विचार करो, जो दूसरों की मदद करता है ये प्रकृति भी उसकी मदद करती है। अगर आंधी आने वाली है और आप दूसरों की मदद करते हैं और आंधी में तुम्हारा काम बिगड़ने वाला है तो आंधी की भी दिशा मुड़ जाती है, थोड़ा मुड़ जाएगी आंधी रुक जाएगी। और यदि पानी बरसने वाला है और तुम्हारे खेत में अन्न का ढेर लगा है, डूब जाएगा सड़ जाएगा, हवाएं चलेंगी बादल उड़ जाएंगे, आज के बजाय कल पानी बरसेगा, 24 घंटे टाइम तुमको देगी ये कुदरत कि अपना अन्न उठा के घर ले जाइए। आप पुण्य आत्मा हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, इसलिए इंद्र भगवान तुम्हारी मदद कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। प्रकृति पुण्य आत्माओं को टाइम देती है, मौका देती है, कुछ करने का टाइम देती है, फिर भी जो नहीं करता है तो फिर डुबा भी देती है कि तुम्हारे लिए कितनी देर इंतजार होगा, फिर आप उठाओ सामान अपना ले जाओ, यथास्थान रखो, समय का सदुपयोग कीजिए। कबीर साहब कहते हैं भक्ति के बिना झंझट खत्म नहीं होगी, इसलिए गुरु मंत्र भी लीजिए, गुरु दीक्षा लीजिए। हमारे भक्त श्रीमती कृपा कुमारी देवी और उनके पति श्री राम बकस, दोनों के घर कल मैं गया था, बड़ी श्रद्धा से सेवा किया और गुरु मंत्र भी लिया, सब संतों को पूड़ी खीर सब्जी खिलाया, संतों को दान दक्षिणा भी दिया, सबको माला पहनाया। उनसे भी व्यास गादी कहेगी, उनको यहाँ आकर बैठी जहाँ पर विशेष भक्तों का स्थान, जल्दी आ जाइए। दोनों पति पत्नी गुरु की भक्ति शिबरी ने किया था तो उसे भगवान राम मिले थे, गुरु की भक्ति मीराबाई ने किया था। कहते हैं सा शरीर मीरा कृष्ण में समा गई थी, और गुरु की भक्ति भगवान राम ने किया था, भगवान कृष्ण ने भी किया था,
भगवान भी गुरु की भक्ति करता है। सोचो, ये गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा माना गया है। इसलिए हर आदमी को जबरदस्ती गुरु बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि गुरु बनने में बहुत फायदा है, लालच आ गया, इसमें माला भी पहनने को मिलता है और फल फूल भी मिलता है और दक्षिणा भी लोग देते हैं, पांव भी छूते हैं, हम भी गुरु बन जाए। लेकिन ये गुरु घंटाल पीटे भी बहुत जाते हैं, मारे भी बहुत जाते हैं, इनकी ठगाई खूब होती है, इनके पांव पूजे नहीं जाते हैं, पांव तोड़े जाते हैं। इसलिए गुरु बनने का लालच छोड़िए। ये तो कोई अद्भुत आत्मा दिव्य आत्मा जन्म लेती है और वो सबको तारने के लिए आती है। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, कोई कोई संत प्रकट होई जग में, पार होई सोई पार करनवा हो। कोई कोई संत संसार में जन्म लेते हैं जो स्वयं भी पार होते हैं, दूसरों को भी पार करते हैं। ये सभी संतों के वश की बात नहीं है। संत लाइन में लगे रहो, तपस्या करते रहो, धीरे धीरे निखार आ जाएगा, दो चार जन्म लग जाएंगे आपको। हमारे गुरुदेव कहते थे, तुम इस जन्म के पहले भी गुरुदेव थे। तो मैंने कहा, मैं गुरुदेव था, मैं तो आपका शिष्य हूँ। तो कह रहे थे, तुम इस जन्म से पहले जिस शरीर में थे तब भी हमको मिले थे। तो मैंने कहा, मैं कहाँ था, मेरा क्या नाम था। तो उन्होंने बताया, तुम बनारस में थे, काशी में थे और शिवपुर में तुम्हारा आश्रम था, तुम्हारा नाम संत प्रसाद साहिब था, तुम वहाँ के महंत थे, तुम्हारे 70-80 शिष्य थे और साधु थे 70-80 तुम्हारे साथ, और भगत बहुत थे, लखीमपुर तक तुम प्रचार करते थे और अचानक तुम्हारा देहांत हो गया, फिर जन्म हो गया। और तुम्हारा जन्म हुआ तो मेरे पास आ गए, क्योंकि हमारा तुम्हारा प्रेम पहले भी था, तो अब तुम मेरे शिष्य बन गए। तुम्हारा वही ढंग से बोली है, वही ढंग की चाल है, वही ढंग का सत्संग है, तो तुम वही फिर से अवतार लेकर आए हो। ऐसे अनेक जन्म लग जाते, एक जन्म का काम नहीं है। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ, सबके मन में इच्छा ही नहीं होती है कि हम गुरुभक्त बने। ये पूर्व जन्म का जिनका रिश्ता है वही गुरुभक्त बनेगा।